अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो पहले दोस्तों, आज का जो हमारा व्लॉग है वो हम आए हैं जनाब जल्लो पार्क की सैर करने। आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है क्योंकि ये पार्क भी बहुत बड़ा है। इस पार्क में अगर हम घूमने की बात करें तो मेरे ख्याल से अकेला बंदा और पैदल नहीं घूम सकता, बड़ा मुश्किल है यार, बहुत ही बड़ा पार्क है। इस पार्क में आपको सबसे ज़्यादा तो दरख्त नज़र आएंगे। हेलो पार्क देखने में तो आपको लगेगा कि एक जंगल सा है, लेकिन इसमें बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं जो आप देख के हैरान हो जाएंगे। अक्सर लोग यहाँ पे दूर दूर से बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आते हैं घूमने के लिए, और ख़ास तौर पे जो है स्कूल की ट्रिप बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। यहाँ दरख्त पे एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने लिखी है कि जिस शापर में आप रूट लेकर आते हैं क्या उसमें छिलके नहीं जा सकते। ये बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है स्लाइड, पहले इस तरह का जो स्लाइड थे बनाते थे। इस पार्क में आपने अगर घूमने आना है तो तकरीबन एक दिन तो आपको निकाल कर आना होगा। जल्लो पार्क में मस्जिद भी तामीर की गई है। यहाँ पर दरख्तों को पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए बड़ी ट्यूबवेल का इंतजाम भी किया गया है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े झूले बनाए गए हैं। यहाँ पे झील का मंजर बड़ा खूबसूरत देखने को लगा।
ये आप देख रहे हैं जनाब, कश्तियाँ बनी हुई हैं इस झील में जो है सैर करने के लिए, यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। ये आप पैरों से चलाएंगे इसको, खुद चलाने के लिए भी बनी हुई है। यहाँ पे कैंटीन भी बनाई गई है खाने पीने के लिए। अभी हम जो हैं चिड़ियाघर वाली साइड पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको जो जानवर हैं हिरन वगैरह खुले नज़र आएंगे। शाम जो होने वाली है, दिन तो उतर गया है, तो वापसी का जो है ज़ेन बना रहे हैं।